लुधियाना के वार्ड नंबर 14 में जो हालात हैं, ये एक तरफ लाइनें हैं, रेलवे ट्रैक है, नेशनल रेलवे ट्रैक, दूसरी तरफ जो है ये सीवरेज के गंदे पानी ने नाले का एक बड़ा रूप धारण कर लिया है, जिससे यहाँ के रहने वाले लोगों को, ईश्वर कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, प्रेम नगर और टनारे खुर्द के इलाके के लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर निकलने के लिए मजबूर होते हैं। के रोज स्कूल से आ नहीं जा, या कचरा इतना बाटे की कोई बच्चा गिर जाला पानी में, अगर कपड़ा खराब हो जाला, घरे माई बाप बोल लन जा की कहे बेटा ऐसा कहे उतर जा। छोटे नारी से बड़ी टंडारी से स्कूल से यहाँ पढ़ाने आते हैं, लेकिन आते हुए हमको इतनी प्रॉब्लम होती है कि हम लोगों को क्रॉस करना मुश्किल रहता है। जब लाइन से ऊपर चढ़ता है तो उधर रेलवे लाइन का डर है, नीचे होता है तो गंदगी है। अच्छा, पानी में हमारे आते थे कपड़े जूते सब गंदे हो जाते हैं। अच्छा, अगर स्कूल ना जाए तो भी मुश्किल है कि बच्चों को पढ़ाएगा कौन। ये रास्ता बिल्कुल सही बंद हो रहा है। अच्छा, रास्ता पानी के कारण सारे जिहड़े राही ने तुरन वाले लाइन की पट्टी से चढ़ जाते हैं। हाँ। लाइन की पट्टी से फिर कई बार गड्डी ट्रेन का ध्यान नहीं रहता, मौतें इतने दो तीन मौत भी हो चुकी है। जब से सड़क पे ऐसा हालात है कितना टाइम हो गया इसको? कम से कम जी मेरे ख्याल से 1-2 साल ही हो गया होगा। अच्छा, तो आप जो ट्राली लेके गुजरते हो क्या दिक्कत आती है आपको? अरे सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमें ये नहीं पता लगता सीवरेज का वो खड्डा कहाँ पे है। अच्छा, कई बार तो हमारी ट्राली ही फंस जाती है यहाँ पे। तो इसके लिए कोई कॉर्पोरेशन को कोई शिकायत किया कभी किसी लोगों ने आपने? शिकायत करने का फायदा क्या है, हमेशा ऐसे ही रहना है। अच्छा, दी प्रॉब्लम है, बीमारियां फैल रही ने, कई साडे जवाक बच्चे बीमार हो जाते हैं पानी के कारण ही, कई मौत हो गई ने, पर ऐसी सुनवाई भी कुछ नहीं है। कंप्लेंट शिकायत बहुत किए हैं लोगों ने, लेकिन कोई उसका कार्रवाई यहाँ पर होता नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कारण है, कौन नहीं सुनते लोग? सरकार जो है निष्क्रिय सरकार है, सरकार में कोई दम नहीं है। अब यहाँ के स्थानीय काउंसलर जो हैं धर्मजीत सिंह जी गर्चा, उनको यहाँ के लोग प्रार्थना कर रहे हैं और जो प्रशासन है, जो नगर निगम है, जो हेल्थ विभाग है, उनके आला अधिकारियों को प्रार्थना करते हैं कि वे इस तरफ इनिशिएटिव लें और इस तरफ पहलकदमी करते हुए इस इलाके के विकास को और जो समस्या है उनका निदान करें, ताकि यहाँ के जो लोगों का स्वास्थ्य है वह ना बिगड़े और लोग बीमारियों से बच सके। लुधियाना से इंडिया नहड के लिए जय कुमार।